गेमिंग चैनल पे मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करने लगे हैं कंप्लीट गेमिंग रिव्यू हमारे पोको फोन X2 का। तो खेल के देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस मिलती है हमें इस डिवाइस में। सबसे पहले ले लेते हैं हम डिवाइस का टेम्परेचर। ये आप देख सकते हैं 27.4 डिग्री टेम्परेचर आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी परसेंटेज है 77% पे। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्रेश रेट जो है वो मैंने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही छोड़ा हुआ है 120Hz पे। तो इसी पे हम खेल के देखेंगे कि कैसी हमें परफॉर्मेंस मिलेगी। अब चलिए फटाफट से गेम करें स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लगाई है अनकिल। इसके अंदर हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट तो मिलता है लेकिन डिस्प्ले जो है हमारा वो नॉर्मल है, मतलब आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 6.67 इंच का। वैसे मेरे हिसाब से अगर डिवाइस के अंदर हमें एमुलेट डिस्प्ले मिलता तो कलर्स और ब्राइटनेस आपको और ब्राइट नजर आती जो अभी नजर आ रही है। अभी भी काफी अच्छे कलर्स आ रहे हैं, एकदम स्क्रीन जो है एकदम मजेदार वाली लग रही है, मतलब गेम खेलने पर आप इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर एमुलेट डिस्प्ले होता तो और क्रिस्प कलर्स आते और एकदम वाइब्रेंट हमारा ये डिस्प्ले बन जाता। सो ये आप देख सकते हैं ये गेम हमारी आराम से चल रही है, स्मूथली चल रही है। इसके अंदर तो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मेनली तो पबजी पे डिपेंड कर जाता है। जब आप थोड़ी उसको हाई सेटिंग्स करके खेलेंगे तो उसमें कितना आपका फ्रेम ड्रॉप होता है या क्या होता है या फिर स्टटरिंग देखने को मिलती है या नहीं मिलती। इस गेम में तो एक्चुअल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको थोड़ा सा और खेल के फिर इसको मैं बंद कर रही हूँ। So, ये हमने लगाई अब पबजी में आप देख सकते हैं ये है हमारी रिकमेंडेड सेटिंग्स। HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे हमें गेम रिकमेंडेड है और इससे ऊपर आप सेटिंग्स को नहीं बढ़ा सकते। तो यही हमारी एक्सट्रीम सेटिंग्स है जिसपे हम खेल सकते हैं। चलिए खेल के देखते हैं। वैसे मैंने इस डिवाइस का रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट भी कर दिया है और मेरे हिसाब से अगर आपने इस डिवाइस को खरीदना होगा तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, वो आपको मिल जाएगा मेरे TNG चार्जिंग चैनल पे। उस पर मैंने इसको फुल डे यूज़ किया था जैसे अपना मैं मेन फ़ोन यूज़ करती हूँ उस तरीके से, और उसमें मुझे काफ़ी मतलब रिजल्ट जो था, मतलब कुछ चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मतलब बैटरी कंज्यूम हो रही थी, जैसे कि कैमरा में बहुत ज़्यादा बैटरी हमारी कंज्यूम हुई है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। सो मेरे हिसाब से अगर आपने फ़ोन ख़रीदना और आपका चाहे कोई भी पर्पस हो, चाहे आपका गेमिंग पर्पस हो, चाहे आपका कैमरा पर्पस हो, आप एक बार ही उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार क्योंकि वैसे तो डिवाइस का बैटरी बैकअप अच्छा है लेकिन कुछ चीज़ों में तो एकदम शॉकिंग रिजल्ट आया था। और साथ ही इस डिवाइस के अंदर जैसे हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, 27 W की चार्जिंग मिलती है, तो आप इसका चार्जिंग टेस्ट भी देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। और जल्द मैं इस डिवाइस का ऑडियो टेस्ट भी कर दूंगी जिसके अंदर हम इसकी ऑडियो क्वालिटी देखेंगे, स्पीकर की और EOPs की, साथ ही इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखेंगे और देखेंगे कि नॉर्मल ईयरफोन्स के साथ आपको कैसी साउंड मिलती है। अगर आप इसमें हेडफोन्स लगाते हैं प्रोफेशनल तो आपको कैसी साउंड मिलती है, तो हर एक चीज़ में हम टेस्ट करेंगे कि डिवाइस का ऑडियो है कैसा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर डिवाइस की सारी टेस्टिंग आपको मिले ताकि आप बिना किसी डाउट के आराम से अपने फ़ोन को खरीद सकें। इस बात पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। सो गेम आप देख सकते हैं हमारी काफ़ी स्मूथली चल रही है, लैगिंग या स्टटरिंग हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, एकदम आराम से प्ले हो रही है। पूरा 1 घंटे का मैं करने की कोशिश करती हूँ, सो जब तक मुझे कोई मार नहीं देता तब तक खेलते रहते हैं।
सो ये आप देख सकते हैं हमने गेम को कर दिया है बंद और फटाफट से ले लेते हैं डिवाइस का टेम्परेचर। 36.2 डिग्री आया है टेम्परेचर और इस समय बैटरी परसेंटेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है हमारी 63% पे। सो टोटल हमने इस डिवाइस के अंदर 52 मिनट्स की गेमिंग करी है और उसके अंदर 14% हमारी बैटरी लगी है और सिर्फ 9 डिग्री टेम्परेचर राइज किया है। इसके अंदर हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसकी वजह से हीटिंग इशू तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और उसके साथ बैटरी कंजप्शन भी हमारा काफ़ी नॉर्मल आया है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो डिवाइस के अंदर आपको गेमिंग एकदम ज़बरदस्त मिलती है, ना कोई लैगिंग, ना कोई स्टटरिंग और ना ही हीटिंग इशू। सो मेरे हिसाब से तो ये डिवाइस ने हमारा एकदम ज़बरदस्त परफॉर्म किया है आज के इस टेस्टिंग में। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।